हेलो फ्रेंड्स, होप सो सभी अच्छे हो गए। रिकवरी तो सभी की अच्छी चल ही रही है और रिकवर भी जल्दी से जल्दी हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो है उसमें शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी तक मैं ना अभी पिछले 5 से 6 दिन से स्टिक के साथ चलने लग गया हूँ। उसमें दोस्तों देखो, जैसे जैसे मैंने इम्प्रूवमेंट्स की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। मैं कितने दिन में कैसे कितना चला हूँ वो सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और आपके सामने उनकी वीडियोज़ भी शेयर कर रहा हूँ। इन वीडियोस का शेयर करने का बस एक ही मतलब है कि आप जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं और जल्दबाजी ना करें, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा ना लगाएं, कुछ समय दें वॉकिंग को, तो उसके बाद ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होती है, एकदम कुछ भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सेकेंडरी, अभी फ़िलहाल मैं इसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड करी है कि कैसे मैं चढ़ता हूँ, ऊपर सीढ़ियों से आता हूँ, कैसे मैं उतरता हूँ, वो भी मैंने ऐड किया है। क्योंकि शर्माने की कोई बात नहीं है, हम बैठकर चढ़ रहे हैं, बैठकर उतर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा सा टाइम और जैसे ही हमारे पैर में स्ट्रेंथ आ जाएगी उसके बाद हम सीढ़ियों से वॉकिंग स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है हमें बैठकर ही चढ़ना है, बैठकर ही उतरना है। बाकी जो वॉकर से मैं स्टिक्स तक जो अभी मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बस एक चीज़ का मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा है, पहले मैंने वॉकर पे ही सिंगल हैंड से चलने की कोशिश की है, उसके बाद मैं स्टिक पे आया हूँ। फर्स्टली मैं 3 से 4 चक्कर वॉकर से ही लगाता हूँ, उसके बाद मैं स्टिक पे आता हूँ। आप एक बार वीडियोस देख लीजिए। कैसे मैं उतर रहा हूँ, कैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ स्टेयर से, तो इन चीज़ों में शर्माने की कोई बात नहीं है। अभी हम कैपेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आना है, बैठना है, ऊपर आना है, तो हम ऐसे आ सकते हैं और सभी आते भी होंगे। शर्माइए मत, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अगर हम 2 महीने और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 महीने और मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ उसके बाद मैं नॉर्मली स्टेयर से चढ़ने लग सकता हूँ, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अभी मैं ऐसे आता हूँ, उसके बाद जो आपने जो रिकवरी देखी है कि मैं शुरुआत में कुछ टाइम के लिए 1 से 2 चक्कर वॉकर से लगाता हूँ, फिर सिंगल हैंडेडली वॉकर से लगाता हूँ 1 या 2 चक्कर, उसके बाद मैं स्टिक पे आता हूँ। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग का वॉकर से ही यूज़ करता हूँ, एकदम स्टिक से नहीं आया जा सकता, थोड़ा सा पैर में स्ट्रेंथ कम है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये वीडियो शेयर करने का बस एक ही मकसद है, एकदम ये नहीं कि स्टिक पे आ गए तो एकदम स्टिक से ही चलना है, नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, झटका वगैरह लगने के चांसेस है। इसलिए शुरुआत अपनी वॉकर से करें, 4 से 5 चक्कर वॉकर से लगाएं, उसके बाद अपना स्टिक पे जाएं, ठीक है। बाकी जैसे ही मैं स्टिक छोड़ूंगा जो भी इम्प्रूवमेंट्स होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।